हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, स्वागत, प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजीव सूरा ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ प्रणामी संस्थान। ये एक आश्रम है, मेन गेट है, और देख लीजिए इस साइड बगियोगियाँ लगी हुई है, फूल की वो सब बगिया है। और ये 22 जनवरी के उपलक्ष में ये मंदिर को सुंदर लुक दिया गया है, सजाया गया है। देख सकते हैं लाइटिंग वगैरह है, और ये पुष्प गुच्छ भी लगाए हुए हैं मेन तोरण द्वार में। चलते हैं अंदर का व्यू देखते हैं, दर्शन करते हैं। प्रणामी संस्थान के जो आप मुख्य हैं, आप श्री का नाम जी? अखंडानंद महाराज। अखंडानंद महाराज जी हैं आप। गौ सेवा, यहाँ गौ सेवा भी होती है आश्रम में, और प्रसाद भोजन तो चलते रहता है। कल कुछ प्रोग्राम था पंडित जी? हाँ, कल राम जी की प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में यहाँ पर विशाल भंडारे का कार्यक्रम था, सुंदर कांड था, और काफ़ी गणमान्य हजारों हजार की संख्या में भक्तजन आए हुए थे, और यही कार्यक्रम चल रहा था। 1100 दीपदान चला जी हाँ। यहाँ होली और जन्माष्टमी को विशाल मेला लगता है जी। से फूलों की वर्षा होने लगी तो इसको तब से फूलपुर कहने लगे। अच्छा, फूलपुर जी। और संत सेवा चलती रहती है। ये हमारी श्यामा महारानी है, इसको बड़ा प्यार करती है। इसको जैसा कहता हूँ, बुलाता हूँ तो मेरे पास आ जाती है, और ये बिल्कुल आशीर्वाद सा देती है। बहुत ही अच्छी साची गाय है ये, और मैं इसकी भोर में उठ करके स्वयं इसकी सेवा करता हूँ, और यह इतना इससे हमको आशीर्वाद मिलता है, इतना आशीर्वाद मिलता है कि मैं क्या करूँ। अनुभूति करता हूँ जब इसके सर पे, शरीर पे हाथ फेरता हूँ ना, तो हमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आभास होता है, और ऐसा लगता है कि हमें बहुत बड़ी ऊर्जा इससे मिल रही है, बहुत बड़ी शक्ति मिल रही है, बहुत बड़ी शांति मिलती है। और ये बड़ी ही सीधी साधी, बिल्कुल जैसा कि गो कोटिदानम ग्रहणे सुकासी, गायों का गो को माता कहा गया, 33 करोड़ देवी देवता गौ में निवास करते हैं, ऐसे ही ये गाय हमारी है। इसमें जो है कहीं भी इसके लेखता पुस्तकालय भी है, जो संस्था की आध्यात्मिक पुस्तकें आपको प्राप्त हो जाएंगी अपने धर्म को जानने के लिए, समझने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुस्तकें हैं। मुख्य रूप से जो भी यहाँ प्रतिष्ठित होता है जी, उसका अभिषेक यहाँ पर होता है। इसी गादी पर बैठ करके आशीर्वाद या जो कुछ भी शुभ संदेश जो भी देना होता है, जो भी निर्णय करना होता है, तो इसी गादी पर बैठ करके, और सामने भक्त जन बैठ जाएंगे, उनके सामने जो कुछ निर्णय होगा उन्हीं की मर्जी से होता है जी। तो आसन यहाँ से वहां पर बैठते हैं जी। जिनमें की पूरा यहाँ का इतिहास, पूरी यहाँ की हिस्ट्री है ना, और या ज्यादा ये संसार में, चूंकि संसारी बातें हो जाती है, ये अव्यक्त चीजें हैं, ये तो समझने की है, चिंतन करने की है, मनन करने की है, ध्यान करने की है, ये सारी चीजें संस्कार से मिलती हैं। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि हमारा एकमात्र लक्ष्य है मानव सेवा, और वो भी प्रेम। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, बिना प्रेम का मानवा बांधे जो कुछ, और प्रेम किसी में और नहीं पाएंगे, या तो प्रणाम करेंगे हाथ जोड़ करके तो आपको खूब प्रेम मिलेगा, सामने जो सामने व्यक्ति है, और चाहे परोक्ष में हो, प्रत्यक्ष हो, हाथ जोड़ करके आप प्रणाम करेंगे, दोनों हाथ जोड़ करके, तो ऑटोमेटिक आपको कुछ चीजें मिलेंगी। एक तो प्रेम मिलेगा, दुश्मन भी आपका मित्र बन जाएगा, और आशीर्वाद तो इतना मिलेगा कि ऑटोमेटिक आपकी आयु, यश, विद्या, धन, कीर्ति, ये ऑटोमेटिक फैल जाएगी। लेकिन हमारा पहला ये सूत्र है, इसलिए हम कृष्ण प्रणामी हैं। हम आपकी आत्मा के अंदर बैठे हुए उस परमात्मा कृष्ण की सत्ता को प्रणाम करते हैं, ना कि किसी शरीर को नहीं करते, ऐसी किसी को नहीं, हम तो उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं जो इस आत्मा के अंदर विराजमान है, जिसकी उसकी जिसकी सत्ता है, ऐसा हमारा ये निजानंद से प्रणामी धर्म है। और यहाँ भी हमारे यहाँ प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, प्रणाम। या परमात्मा का नाम जो प्रातःकाल स्मरण कर लेता है मंगलाचरण के रूप में, उसके जीवन में अमंगल होता ही नहीं, इसलिए हमारे यहाँ ये संस्कार शिक्षा यही दी जाती है कि आप जो है पहले तो ये संस्कार मातृदेवो हो, पितृदेवो हो, आचार्य देवो हो, अतिथि देवो हो, इस प्रकार से जो सूत्रधार है जीवन का, संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाले जो सूत्र हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो अभी इस सुंदर अभिनय करने वाले हैं, हम उन सूत्रों को यहाँ पर, कोई भी आता है, बालक आए, वृद्ध आए, कोई भी आए, उनको एकमात्र आधार बताता हूँ कि जीवन का आधार
संपूर्ण आनंद का आधार एक मात्र रही है कि एक कृष्ण से कृता प्रणामो दशस्वमेधावर्थेन तुल्य दशस्वमेधि पुनरेति जन्मो कृष्ण प्रणामी सी राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम झूर जी पानी। इससे बड़ा मानव के लिए और कुछ भी नहीं है। अगर मानव कुछ नहीं, दोनों हाथ जोड़ करके हाथ जोड़ विनती करूं धरूं चरण में शीस है ज्ञान भक्ति मोहि दीजिए परम पिता जगदीश। ऐसा ही कहने से सारे मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। हम मन से वाणी से मुख से प्रणाम बोल करके अगर परस्पर माता जी को सुबह पिताजी को भाई जी को जिसमें छोटा बड़ा कोई नहीं होता, ये प्रणाम की परंपरा आज नहीं है, हमारी सनातन है। आज महाभारत काल से देख लीजिए माता श्री को प्रणाम, पिताश्री को प्रणाम, भ्राताश्री को प्रणाम, यही करके संबोधन होता था। तो मैं तो ये चाहूँगा कि ये मैसेज बड़ा ही बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। एक तो मैं इससे दूर रहता हूँ, हमें ये मीडिया नहीं, हमारी मीडिया तो कोई अलग ही है, जहाँ मिलता मने काशी का असोसा काशी काशी ज्ञान ध्यान अखान यहाँ वशम भगवान सो काशी से ही कसम जरत सकल सुरबंद विषम कर ले जी पान किए तेने वजह से बोलो। ऐसे हमको संपूर्णानंद विश्वविद्यालय काशी से ऐसी शिक्षा मिली है। अपन तो निर्भय होकर के स्वतंत्र होकर के निष्काम भाव से ये अपना धर्म मानते और धर्मो रक्षति रक्षता वो हमारी रक्षा करता है, हम उनकी सेवा में शरणागति में हैं। ऐसा हमारा आज तक का जो एक्सपीरियंस है 65 की मेरी एज है, मैंने कोई नौकरी नहीं किया, कोई शासन की सेवाएं नहीं लिया मैंने, बल्कि 2-4 विद्यालय प्राइवेट खोल करके 2-4 संस्थाएं दूसरे को हैंड ओवर किया और एक मानव कल्याण की भावना को ही लेकर के यहाँ यज्ञ कराना इस जंगल में इस मंगल में यहाँ मैंने जिन के न प्रकार मानव को किसी प्रकार से जाने कि राम क्या है, कृष्ण क्या है, आस्था क्या है, परमात्मा क्या है। और मुख से अगर एक बार भी निकल गया तो जीव की मुक्ति हो जाएगी, बाकी इसकी कोई गति नहीं। मानव किसी काम का नहीं है, अगर उसके संस्कार और संस्कृति चरित्र आस्था माता पिता के प्रति सेवा भावना नहीं है तो वह मानव दानव की तरह है। इसलिए मानव को मानव बनाना हमारा परम कर्तव्य है और मानव की ही पूजा करना हमारा परम कर्तव्य है। यहाँ कोई दीन आ जाए, दुखी आ जाए, भूला आ जाए, भटका आ जाए, अंधा आ जाए, लंगड़ा आ जाए, लूला आ जाए, आप तो सबको गले लगाते जी। ऐसा ही हमारा श्री निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म है और ये हमारा 300 पुराना 350 वर्ष पुराना ये जो मैंने पुस्तक दिया इसमें सारा इतिहास आपको मिलेगा। तो बहुत ही शांति का वातावरण है और महाराज जी का प्रवचन तो कमाल का ही है, जीवन को आदर्श बना देगा, ऐसा आपका आशीर्वचन है। तो जरूर आप लोग आए, महाराज जी से सत्संग करें, महाराज जी से आशीर्वचन सुने और अपने जीवन को श्रेष्ठ मार्ग की ओर अग्रसित करें। धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधु विपरीत में तत् ज्ञानाय ध्यानाय चरक्षणाय। यही संपत्ति अगर किसी दुष्ट के पास पहुंच जाती है, अज्ञानी के पास पहुंच जाती है तो दुरुपयोग करता है, अस्त्र शस्त्र खरीदता है, दूसरे को कोर्ट कचहरी में ले जाएगा, पीड़ा देगा, गोली बंदूक खरीदेगा। अगर किसी संत के पास रहती है तो वह समाज की, देश की, मानव की रक्षा करता है, सेवा करता है। तो भोजन प्रसाद ले लीजिए, समय ज्यादा होता तो है। महाराज जी की आज्ञा है कि हम लोग भोजन प्रसाद पा जाएं, तो चलते हैं भोजन के बाद फिर से महाराज जी से मिलेंगे। आश्रम का जो भोजन है ये प्रसाद है, सात्विक भोजन, बिना लहसुन प्याज का सादा सिंपल, भगवान को जो भोग लगा हुआ है उसी का बचा हुआ जो अवशेष है तो वही प्रसाद। इंद्र मुट्ठी से चलते हैं, मुट्ठी आती है गांव से, मुट्ठियां साल भर लोग एक मुट्ठी प्रतिदिन निकाल देते हैं। अन्नदान जी, जो भोजन करते हैं तो परिवार से एक मुट्ठी निकाल देंगे और एक वर्ष में फिर ला करके इस मंदिर में जाते हैं जी। और कोई कोई पंडित जी ऐसा भी करते हैं, 1 रुपए जमा करके। हाँ हाँ जी जी, ऐसा भी करते हैं, ऐसा भी। अंशदान और अन्नदान, आप यहाँ आश्रम की व्यवस्थाएं अंशदान और अन्नदान से चल रही है। और बाकी यहाँ ये आश्रम प्रांगण है, यहाँ आप देख रहे हैं कि पशु पक्षी भी आनंद लेते हैं, घास भी लगी है तो हमारी गायों के लिए, ये बजरी मक्खन घास है, उधर बरसिंग है, इधर राहर तुअर डाल दिया हूँ, कुछ गेहूं डाल दिया हूँ, यहाँ बंदर पशु पक्षी सब को बड़ा आनंद मिलता है। वो तो हमारे पास तक आ जाते हैं, बंदर हाथ से रोटियां आदि ले जाते हैं, तो बड़ा ही परमात्मा जी। और ये मंदिर का प्रांगण है, मैं सोच रहा हूँ कि इसमें बढ़िया सुंदर ये परिक्रमा मार्ग, लोग हजारों की संख्या में आते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं है? तो अभी आप देख रहे हैं कच्चा देंगे, मेरा प्रयास है। अभी मैंने विधायक जी आए थे, हमारे नारायण प्रजापति थी मनगमा विधायक, उनसे मैंने कहा है
कि इसका परिक्रमा मार्ग अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बहुत बड़ी कृपा होगी। हो तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। सुंदर मंच विकास भी निर्माण हम कराने वाले हैं और सामने जो है ये भी चाहते हैं कि सुंदर गार्डन बन जाए। लोग यहाँ दूर दूर रीवा जाते हैं, मनगमा जाते हैं, बहुत दूर जाते हैं शादी विवाह के लिए, तो हमारे मंदिर से ही वो सुंदर आकर के और वर वधु दोनों को आशीर्वाद सुंदर राज जी का मिले, परमात्मा का मिले और वो अपने घर जाएं, यहीं पर अपना शादी विवाह का कार्यक्रम भी करें। भाई बहनें जब विदा होता था घर से जाती थी तो पीछे हाथ में लेकर पैसा और अक्षत पीछे को घर में छोड़ती थी अपने मातृपक्ष के घर में, जिससे कि सुख समृद्धि लक्ष्मी आदि यहाँ बनी रहे, हमारे साथ ना चली जाए। आज तो अब सारी सुख समृद्धि मेरी झालों में जा रही है, हमारे सारे संस्कार छूट रहे हैं, हमारे गो जो वेद मंत्र हैं वो छूट रहे हैं, जो साखोचार आदि हैं जिनमें जो एक साक्षी रहा करते थे, वचन ही तो साक्षी रहते हैं, जिम अमोघ रघुपति करवाना यही भात चले हनुमान। तो ये वाणी जो है, वाणी तो बहुत बड़ा आभूषण है, बहुत बड़ा बाण है और वाणी जो है केयू रानी विभूषण पुरुषा हार न चंद्रोजला ना स्नानम निविलेपनम कुंकुम नालंकृता मूर्धजा वाण क्या समलं करोति पुरुषा या संस्कृता धारयति श्री अंते खलु भूषणांशतम वाकभूषण। वाणी तो बहुत बड़ा मुख का, सबसे बड़ा मानव का आभूषण तो वाणी है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल हो। इसलिए प्रसाद प्रणाम करने से ही दोनों हाथ जोड़ करके अगर हम अपने बड़ों को अपने छोटों को प्रणाम करके आप प्रैक्टिकल करके देखें, ये मेरा दावा है कि आपको भी प्रसन्नता होगी और सामने वाले को भी प्रसन्नता होगी, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो। ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि प्रणाम करने से ऐसी प्रसन्नता मिलती है, ऐसी प्रसन्नता मिलती है और ऑटोमेटिक कुछ चीज़ों का संचार ऐसे ऊर्जा का होता है कि आयु है, यश है, विद्या है, धन है, संपत्ति है, ये ऑटोमेटिक उस व्यक्ति के पास आ जाती है। अरे रिधि सिधि संपत्ति बिना ही बोलाए धर्मशील, और यही धर्म है जो धारण किया जाए। आवाज देख रही युवा पीढ़ी जिस रास्ते से जा रही है वो उसके पक्ष में मैं पक्षधर नहीं हूँ, आज विनाश के कारगर पर है, अपना ही नुकसान कर रही है। लोग बीड़ी में, राजश्री में, गुटखा में, शराब में, कबाब में, फैशन में, घूमने भागने में बिल्कुल बर्बाद कर देने, घर के घर परिवार के परिवार उजड़ दें। तो मेरा तो जब से मैं आया मेरा ये प्रयास है कि बालक आए वृद्ध आए उनको एक संजीवनी के रूप में, अमृत के रूप में, अमृत वचन के रूप में उनको भरपूर ऐसा डायरेक्शन दिया जाए, ऐसी ऊर्जा दी जाए, ऐसी शक्ति दी जाए जिसको पा करके और अपने जीवन का आनंद उठा सके। ये क्षणभंगुर जीवन का क्षणभंगुर है, इसका कोई समय नहीं है लेकिन अमूल्य है इसका, इसको परमात्मा ने उपहार में दिया, जो इसका दुरुपयोग करते हैं वो अच्छे नहीं है। तो यही धर्म है और सबसे बड़ी बात तो जिनको ऐसा है ना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है उन्हें सुख से किनारे पार लगाती रोज। मैं यहाँ हर व्यक्ति को कहता हूँ गीता है, गीता के श्लोक, रामायण के श्लोक, श्रीमद् भागवत के श्लोक, संतों की वाणी, माता पिता की वाणी, इनको हृदयांगम करिए, चिंतन करिए, इन पर अमल करिए और उनके बताए हुए आचरण पे चलिए। ये हमारे परमहंसों की जो हमारे इस मंदिर में गादीपति हुए उनकी ये समाधियाँ, लोग यहाँ आते हैं फूट पास में फूल जल आदि चढ़ाते हैं, परिक्रमा करते हैं, अपने अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं। काफ़ी मान्यता है, हमारे लोगों की मान्यता ये है ये शरीर गया है, ये आत्माएँ कहीं नहीं गई, नहीं गए जी बिल्कुल। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो हैं। तो जो लोग घर पावत नहीं अपनो, भटकत फिरत फुलानो, ये आत्मा को जब तक अपना ठोर ठिकाना, जैसे जीव को प्राणी को आपको अगर अपना घर में जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक शांति नहीं मिलती, इसी प्रकार से इसके अंदर जो आत्मा बैठी है जब तक आत्मा को अपना परमात्मा पति नहीं मिल जाता, अपना घर नहीं मिल जाता, तब तक वह भटकती अनेक जन्मों में भटकती रहती। इसलिए मुक्ति का सुंदर साधन है परमात्मा कृष्ण का नाम, गोविंद का नाम, सत्संग, सत्संग तो अमृत है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग के बराबर और सत्संग क्या है,
सत्य ही संग है। तो सत्य क्या है? परमात्मा। उठते बैठते सोते सुपन जागृत है ना, हम खाते जो उठते बैठते हुए चलते खाते पीते हुए परमात्मा का चिंतन करते रहें, परमात्मा से सत्संग करते रहें। जैसे हमारी रानी साहिबा का जो मैंने रीवा का राजघराने का आपको दृष्टांत बताया, रानी साहिबा जयपुर की थी और बाल्यकाल से ही वो प्रणामी थी और परमात्मा की भक्ति में वो तो प्रोत रहती थी, लेकिन किस चुगलखोर भी होते हैं, किसी ने चुगली राजा से कार्य कर दी और राजा ने आओ देखा ना ताओ देखा, रानी से आकर के पूछा किससे बात कर रही थी, तो बोला किसी से नहीं, मैं तो अपने परमात्मा से बात कर रही, अपने पिया से बात कर रही। अंत तो गत्ता देखा तो कोई नहीं मिला। ऐसे ही भक्तों के अधीन क्या भक्त पराधीन हो ना, हम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय चा मद भक्त जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। है परमात्मा ने नारद जी ने एक बार यह प्रसंग किया था, तो परमात्मा ने कहा कि जहाँ राम तहाँ अवधे निवासु, अवधे और कहीं नहीं, जहाँ राम है तो राम अगर इस शरीर में है तो अवधे यही है, अयोध्या यही है। ऐसा सुंदर नहीं, परमात्मा भक्तों के अधीन है ना। तो ये तो मैं तो प्रेम के मूल बिकाऊमा, प्रेम है ना, और परमात्मा प्रेम के अधीन है, इसलिए परमात्मा से हर मानव का धर्म होता है कि हम पहले परमात्मा को प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा, बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृगया संग खेल ही जाई, अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिताया ज्ञान अनुसरही, जेहि विद सुखी होए पुरलोगा, करहु कृपा निज सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहहिं अनुज ही समझाई। माने राम का आदर्श हमारी लगता है कि इसी से तो विश्वगुरु हमारा भारत था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज पूरे विश्व में राम की चर्चा हो रही है, चर्चा है ना, और रामायण जो तुलसी का रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, इनकी जो चौपाइयां हैं, इनकी चौपाइयां अगर आज का मानव अपने कंठ कर ले, याद कर ले, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ा नन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तवे आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहनी। तो उसकी सर्व सिद्धियां हो जाती है, वाणी सिद्ध हो जाती है, उसका जीवन सफल हो जाता है। ऐसा मानव जो है, मानव नहीं वह तो नर नहीं, नारायण के रूप में पूजनीय हो जाता है। ये हमारी भारत की ऐसी ही संस्कृति थी, ऐसी ही वसुंधरा है, एक न एक वीरों को जन्म देती है। यहाँ पर हमारा मंच, इस भागवत का मंच जो है, ये अभी टेम्परेरी बना था, इसको हम उस बाउंड्री के किनारे बना करके इसको सुंदर गार्डन बनाने का मेरा विचार है। यहाँ पार्किंग भी हो जाएगी, सुंदर गार्डन बन जाएगा। यहीं से निर्धन कन्याएँ हैं, जो लोग नहीं कर सकते, सक्षम नहीं है, तो हमारी मंदिर से शादी करें और संस्कारित तो होकर के बच्चियां आ जाए, है ना। ऐसा हमारा प्रयास है, जो भी अशिक्षित वर्ग हैं, नहीं पढ़ सकते, लोग पालन पोषण नहीं कर सकते, ऐसे अनाथ बच्चे अगर हमारे मंदिर में आ जाए, मैं तो उनकी सेवा करने के लिए है। तो इसके लिए मंदिर कृतबद्ध है, बिल्कुल वचनबद्ध है, लेकिन राज जी महाराज जी की जैसी कृपा परमात्मा की होगी, समय समय पर यहाँ अनेक संप्रदाय के साथ महाराज जी आते रहते। ये पता एग्जैक्ट पता बता दीजिए दर्शकों को, पता बता दीजिए। श्री राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर, फोल पुर्तिपुरी, 37 जिला रीवा, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, आप ऐसे ही महाराज जी के प्रवचन सुनने के लिए बीच बीच में हम लोग आते रहेंगे, महाराज जी की अमृतमयी वाणी कैद करते रहेंगे और कैद करके आप लोगों के पास तक पहुंचाएंगे। घर बैठे आप महाराज जी की वाणी सुन सकते हैं, ऐसी हम लोग व्यवस्था बनाएंगे, इसमें चर्चा करेंगे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। चलिए, बहुत